एनटीपीसी के परीक्षा करवा लेंगे, एसएससी का सब काम रूटीन से करवाएंगे। दिमाग उमाग सही है तुम लोगों का? पगलाए तो नहीं हो? है मोदी जी से मांग करोगे, सरकार से मांग करोगे? तुमको पता नहीं है कि कहां रहते हो? देशद्रोही घोषित हो जाओगे। यहां पर सरकार से तुम कुछ मांग नहीं सकते, बस चुपचाप रहो। रोजगार चाहिए तुमको? दिमाग उमाग सही नहीं है? पकौड़ा बनाओ, रोजगार नहीं है, गोलगप्पा का दुकान खोल दो, ठीक है, रोड पे खड़ा हो जाओ, जूता सियो, ये रोजगार नहीं है? सबका दिमाग खराब हो गया है। ये सब लैकन तो लैकन मास्टरों सब पगला गया है। वो कौन है? शर्मा जी है, एगो जादो जी, सब पगलाया हुआ है। लड़कन से कह रहा है ट्विटर कैंपियन कराओ। दिमाग उमाग सही नहीं है तुम लोगों का? ट्विटर कैंपियन करोगे, सरकार का विरोध करोगे, जेल चल जाओगे, देशद्रोही घोषित हो जाओगे। रोजगार चाहिए लोग को। एग्जाम कराना इतना आसान है? एग्जाम कराना तुमको समझ में नहीं आता कितना टफ काम है? हमारे यहां एग्जाम होता है, उसके बाद एग्जाम में नकल होता है, फिर एग्जाम कैंसिल होता है। नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब करने में 2-4 साल लग जाता है, फिर ज्वाइनिंग तब होता है, तब पता चलता है कि लड़का सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया तो क्या हो गया? मरिए गया तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? मर गया तो मर गया, मर गया। राम मंदिर बन रहा है ना जी? राम मंदिर बन रहा है, वही जाना, वही तुम पकौड़ा का दुकान खोलना। वो नहीं कर सकते हो तो कटोरा ले लेना, भीख मांगना, वो भी तो रोजगारे है। राम मंदिर के पास कटोरा लेकर बैठोगे तो रोज 2-4 हजार कमा लोगे, इतना राम भक्त है देश में। राम भक्त है ना जी? समझ में नहीं आ रहा क्या? सरकार का कोई विरोध नहीं करेगा, कोई ट्विटर कैंपियन नहीं कराएगा। एक बात समझ लो, एग्जाम कराना इतना आसान नहीं है। चुनाव जितना आसान समझते हो एग्जाम कराना? चुनाव है कि 4 दिन में सब कुछ हो जाता है? एग्जाम कराना बहुत हार्ड काम है, सरकार को एजेंसी नहीं मिलता है। देखो सबका दिमाग खराब हो गया है, हम कह रहे हैं ना, कोई ट्विटर कैंपियन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप रहो, घर में सूतो। बात समझ में आ रहा है ना? रोजगार मिलेगा तो ठीक, और नहीं मिलेगा तो पकौड़ा बेचना, और वो नहीं मिलेगा तो घर में पंखा है ना, टेबल है ना, चढ़ जाना, सुसाइड कर लेना। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सरकार से तुम कुछ नहीं मांग सकते हो। बात समझ में आया? देशद्रोही घोषित हो जाओगे, जेल में चल जाओगे, देशद्रोही का धब्बा लेके जीना चाहोगे तुम? पागल कहीं का। देखो तुमको हम बताते हैं कि चुनाव कराना कितना आसान होता है और एग्जाम कराना कितना आसान होता है। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हुआ लोकसभा का, तुमको पता है ना? लोकसभा का चुनाव हुआ 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में। नहीं समझ में आ रहा तुमको? ठीक है, और बाबू उसमें बीजेपी की सरकार जीत गया, 23 तारीख को वोट भी गिना गया, 19 मई को चुनाव खत्म हुआ, 23 मई को रिजल्ट भी आ गया, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। एगो बात जानते हो, चुनाव से पहले ही एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, तुमको नहीं पता है? चुनाव से पहले वैकेंसी आया था, हम बैच भी दिए थे। हाँ, बैच बना था, मेरा बहुत लड़का आया था पढ़ने के लिए, हम खुश हो गए थे कि वैकेंसी आया है, सब लड़कन को नौकरी लग जाएगा, हम लोग का भी कुछ खर्चा पानी आ जाएगा, चलेगा कोचिंग, बहुत खुश हो गए थे। हाँ, एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, देखो वैकेंसी आया था तुमको, ये 1 अप्रैल से 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में ये फार्म भराया था, फार्म भराया था, आ कहा गया कि सितंबर में परीक्षा होगा, तो लड़का सब बड़ी खुश था कि सितंबर में परीक्षा होगा, चलो नौकरी ले लेंगे हम, लड़का सब तैयारी में लग गया। बाबू ध्यान लगाइएगा, सितंबर में कहा गया परीक्षा होगा, तो लड़का सब खुश हो गया, कहा ना मोदी जी तो वैकेंसी दे दिए हैं, चलो इनको वोट देते हैं। तो मोदी जी को वोट दिया, आ मोदी जी जीत गए, तुरंत पीएम भी बन गए, यही सब काम हो गया कितना दिन के अंदर में? बाबू 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हुआ, 23 मई के प्रधानमंत्री बन गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चुनाव कराना बहुत आसान था, अब तुम्हारा एग्जाम कराना जो है ना बहुत हार्ड काम है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि फार्म कब भराया तुम्हारा? 1 मार्च को, अभी तक परीक्षा नहीं हुआ, परीक्षा करा लेना आसान सी समझते हो? अभी नहीं होगा परीक्षा, अभी नहीं होगा, तुम कुछ कर लो, अभी परीक्षा नहीं होगा। पता है परीक्षा कब होगा? परीक्षा होगा कब? जब फिर से चुनाव आएगा तो फिर परीक्षा होगा, चुनाव से पहले परीक्षा होगा, फिर रिजल्ट आएगा कब? बाबू फिर जब अगला चुनाव होगा।